कि वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय फाई, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सर्फेस, फ्रॉम मेटेलिक सर्फेस, सर्फेस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फॉर एनी मेटल इट इज कॉन्स्टेंट, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ मेटल, मेटल के लिए कॉन्स्टेंट है, एंड मिनिमम वैल्यू इज फॉर सीजियम, सीजियम की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन के बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं सर? मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस से जितना भी रिमूव करने के लिए चाहिए वो मिनिमम. और ये क्या है, ये भी मेटेलिक सरफेस की प्रॉपर्टी है, थ्रेशोल्ड जो है वो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई सॉरी एच न्यू, न्यू थ्रेशोल्ड. तो ये एच न्यू फाई इज इक्वल टू एच न्यू, ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो है मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा थ्रेशोल्ड. तो नोट्स के लिए वो पीडीएफ जो है गूगल ड्राइव पे, वहां से रेफर कर लोगे, पॉइंट यही है, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ. तो ध्यान इसमें यही रखना है, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड to remove electron from metallic surface, metallic surface यहां से जो phi है, phi is equal to hc by lambda threshold. तो lambda threshold एक maximum value है, तो उस threshold से कम, threshold wavelength से कम और threshold frequency से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे. जो लाइट जिसके फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एंड लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा थ्रेशोल्ड. तो वेवलेंथ में थोड़ा रिवर्स है, तो इसलिए अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिससे कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम विजिबल होगा हमें. एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये जो है एक वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब, ये वो कैथोड रे जैसा करेंगे. हाँ, इसमें ये फोटो सेंसिटिव मेटल है और ये जो है कलेक्टर है. तो यहां से ये एक ड्राइविंग सेल है, ड्राइविंग सेल है ये,
और यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है, और इसमें एमीटर है, यहाँ पे आइडियल एमीटर है और यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल एमीटर का बैटरी को क्या बोले, ड्राइविंग सेल ये वेरिएबल है, इसके हम पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और इसके पोलैरिटी को रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब अभी के मोमेंट पे, अभी इस मोमेंट पे क्या है, अच्छा ये है फोटो सेंसिटिव मेटल जो इसको हम एमीटर और कैथोड और ये जो है वो कलेक्टर और एनोड यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। सर कैथोड का क्या पोलैरिटी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा? कैथोड की पोलैरिटी अभी जो है वो नेगेटिव है, अभी नेगेटिव। तो फिर हम क्लासिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा कैथोड है कौन सा कैथोड? कैथोड वैसे तो जहाँ पे केमिस्ट्री का कन्वेंशन अलग होता है, इधर कन्वेंशन अलग होता है। केमिस्ट्री में जहाँ पे कटायन जाता है वो कैथोड होता है, जहाँ पे वो जाता है वो एनोड होता है, एनायन जाता है। इधर जो है कि जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है वो कैथोड होता है, कि नेगेटिव प्लेट से है तो बैटरी के आयंस उस पे जाएंगे, नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वो कैथोड होगा, पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है एनोड है। मतलब एनायन की फीलिंग आती है बट वो कनेक्टेड होता है किससे, पॉजिटिव से, ठीक है? हाँ सर, केमिस्ट्री में रिवर्स होता है, साइन कन्वेंशन वर्क के जैसा जो है वैसा। तो यहाँ पे ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है और इस पे इंसिडेंट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, कैथोड है, अभी ये कैथोड है, ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, आइडियल एमिटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर। तो इसके कुछ कंक्लूजन है और उस कंक्लूजन को हम लोग ग्राफिकली भी ड्रॉ करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर ऑलमोस्ट गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम है, नहीं है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है, ट्यूब है, उसके अंदर ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, एमीटर वोल्ट मीटर, अगर सर्किट में कोई भी करंट फ्लो होती है तो एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो पहला केस है कि अगर हमने पोटेंशियल, अब लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पे हाई फ्रीक्वेंसी की, अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। फर्स्ट पॉइंट, इफ वी इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल अगर जीरो होता है तो क्या हमें यहां पे कुछ करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मान लो हमने कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं अप्लाई किया, अभी क्या है, अभी ये यहां पे जो नेगेटिव है और इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या हमें करंट मिलेगा या नहीं अगर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया? यस सर, मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो जाएंगे कलेक्टर में अपने आप, नहीं मतलब लाइट गिर रहा है ना सर। तो लाइट गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए, तब तो डिफ्लेक्शन मिलेगा। नहीं जा रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव प्लेट रिपेल कर देगा उसको, नेगेटिव प्लेट। अच्छा, वैसे भी काइनेटिक, अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना सर, अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, स्टिल जो है, स्टिल एमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो कुछ रहेगा, करंट नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, बिकॉज हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग एट कलेक्टर प्लेट, उसमें पॉजिटिव हो जाएगा।
कलेक्टर प्लेट। तो जैसे ही यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, हमने वहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी अभी पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ वायर है ऐसे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अब जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। हमें पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम नहीं होती है, तो जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो अपने एनर्जी के वजह से यहाँ पहुंचेंगे, जैसे ही ये पहुंचेंगे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से अब ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से घूमते हुए इसके पास पहुंच जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी तो हमें विजिबल होगा, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन विजिबल होगा तो लगेगा कि अच्छा हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया। उधर जब आइसोलेटेड था तो हम देख नहीं पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा था बट उसको मेजर कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, तो वहां दिख नहीं रहा था। यहाँ पे ये ऑब्जर्व हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने जीरो अप्लाई किया, स्टिल सम करेंट इन ऑब्जर्व इन द मीटर बिकॉज हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग एट द कलेक्टर प्लेट। समझे? तो पहला पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग से पहुंच गए। फिर नाउ अब लो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो दूसरा पॉइंट इसमें है कि लो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विथ लेस काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स विथ लेस काइनेटिक एनर्जी विल फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नियर एमिटर और कैथोड प्लेट। कि जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 में से 5 तो पहुंच रहे हैं, 5 यहीं पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो बस किसी तरीके से बाहर निकल गए, बस बहुत है, बस क्लास पहुंच गए, पहुंच के सो गए। तो और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह दुनिया में ऐसे ही होता है, ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे और करंट दे रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स विद लेस काइनेटिक एनर्जी विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड नियर द कैथोड प्लेट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इफ पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, नाउ इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, करंट इन द सर्किट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग द ड्राइविंग पोटेंशियल करंट इन द सर्किट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। क्या हो रहा है कि भाई हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही रहा है, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो से बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो भी लेस एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रॉन है उसको ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और ये फोर्स की वजह से यहाँ आएगा। तो पहले जो है, पहले मानो 10 फोटॉन्स थे, इंसिडेंट हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में निकल गए, पर सेकेंड 10 फोटॉन इंसिडेंट हुए, और एफिशिएंसी अगर 100% है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, उस 10 में से 5 पहुंच रहे थे, अब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो 5 से वो नंबर बढ़ गया, 6 पहुंच रहे हैं पर सेकंड, 7 पहुंच रहे हैं पर सेकंड, 8 पहुंच रहे हैं पर सेकंड, तो वो जो चार्ज पर सेकंड पहुंच रहा है वो बढ़ने लगा। जब चार्ज बढ़ने लगेगा तो करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज, करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज, तो इसीलिए थर्ड पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंक्रीजेज इन द सर्किट एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिमिनिश होने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। After that, on further increasing the potential difference, after some time, on increasing the potential difference, current becomes constant, and that constant current
दैट कॉन्स्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है सैचुरेशन करंट, कि वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी, वो तो डिसाइडिंग करंट बढ़ाने के लिए थोड़ी, वोल्टेज हम कुछ हद तक ड्रॉक इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि अभी लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जा रहे हैं, लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी पहुंच रहे हैं। अब अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते गए तो आफ्टर सम टाइम करंट ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस करंट बिकम्स कॉन्स्टेंट। कुछ टाइम के बाद हम इंक्रीज भी करते जाएंगे तो भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। फर्दर अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं तो भी करंट के ऊपर कोई इंक्रीज नहीं होगा, पोटेंशियल अगर इंक्रीज करता जाता है तो भी हमारी करंट क्या हो जाएगी, करंट बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो करंट कॉन्स्टेंट ही रह गई, करंट कॉन्स्टेंट रह गई, तो वो हो गया सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन स्टेट आ गई। फिर उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट, नाउ इफ पोटेंशियल डिफरेंस, अब मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम करते हैं, जीरो से तो हमने स्टार्ट किया था, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू तक देख लिया। अब नाउ इफ द पोलैरिटी ऑफ, नाउ इफ पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, नाउ इफ पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड सेल इज reversed, then current starts decreasing and after some time start decreasing and finally it becomes zero, and finally it becomes zero. So that reverse voltage at which current in the circuit becomes zero is called stopping potential. So this reverse potential at which current in circuit becomes zero is called stopping potential. कि रिवर्स वोल्टेज हम पहले जीरो से हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया, जीरो से मैक्सिमम तक गए, करंट सैचुरेट हो गई। अब जीरो से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और एनोड जो है वो पॉजिटिव हो गया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो रिवर्स हो गए। तो जो सेंसिटिव प्लेट थी अभी वो लो पोटेंशियल पे आ गई, हाई पोटेंशियल पे आ गई, ऐसे यहाँ पे जो सेटअप है अगर हमने इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव पे है और ये नेगेटिव पे है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे थे, एक तो भाई वैसे ही जो है आलसी इलेक्ट्रॉन थे, वो आलसी इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नहीं जाएंगे, वो तो खुश हो गए, चल भाई बात खत्म हुई है, लॉकडाउन हो गया। और एक तो जो है फोर्स यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल है, तो वो रिवर्स पोटेंशियल क्या करेगा, उसको एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी पुल करना स्टार्ट करेगा। जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को पुल करना स्टार्ट करेगा तो करंट डिक्रीज होने लगेगी। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस सफिशियंट हुआ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट करने में, कि भाई सबसे जो बेचैन था वही अगर जाना बंद हो जाएगा तो बाकी तो अपने आप ही वैसे ही नहीं जाना चाह रहे हैं। तो वही है कि इफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, देन करंट इन द सर्किट विल बिकम जीरो, करंट सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोलने के दो तरीके हैं। अगर बोला जाएगा, जैसे मान लो हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया ना, रिवर्स वोल्टेज, तो बोलेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 वोल्ट,
ऐसा बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, ऐसा बोलेंगे, और वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, ठीक है. फाइंड एट व्हाट वोल्टेज करंट इन द सर्किट बिकम जीरो, माइनस 10 वोल्ट. तो माइनस ये चीज बता रहा है कि रिवर्स वोल्टेज पे होगा. बट अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलवेज क्या है, ऑटोमेटिकली वो रिवर्स वोल्टेज ही है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट और वोल्ट सिर्फ पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट. क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा गया, कई बार ये प्लस माइनस में ऐसे चक्कर हो जाता है, ऑप्शन गलत हो जाता है. तो ये समझना है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ही पूछा गया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में स्टॉपिंग वर्ड में ये चीज है कि वो रिवर्स है, तो हम बोलेंगे 10 वोल्ट. और पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मेक करंट जीरो, एट व्हाट पोटेंशियल करंट इन द सर्किट विल जीरो, तो V इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट. तो उसमें जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन कैपेबल है, इलेक्ट्रॉन कैपेबल है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक ले रहा है, तो हम इसको इक्वेशन लिखेंगे E इंटू वी एस इज इक्वल टू के मैक्सिमम, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एनर्जी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से हम एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस से हम एनर्जी देते हैं ना यहाँ से, कि पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू V करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी. तो उसी तरीके से रिवर्स एनर्जी टाइप का, कि फाइनल जो एनर्जी उसको मिल रही है उसको अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दे, अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस उसको जीरो कर दे. मतलब E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट जीरो हो जाएगा. समझे ये बात? सर ये करंट जीरो कैसे हो गया फिफ्थ पॉइंट में? फिफ्थ पॉइंट में फिर से रिपीट कर देंगे. करंट जीरो कैसे हो गया, कि पहले तो जीरो के बाद हमने किया क्या है, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया. पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब पहले ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड था, अब पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई और ये प्लेट अभी नेगेटिव हो गई, मतलब हाई पोटेंशियल पे हो गया. तो अब पॉजिटिव हो गई तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट हुई और ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट इसको पुल करेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे वो उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा. तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इस पे भाई कुछ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे वो तो वैसे ही नहीं जाना चाह रहे थे, ऊपर से एक फोर्स भी आ गया, तो एक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं जाएंगे तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगी. दूसरा है कि जो एनर्जी है जिनके पास उनको भी पुल कर रहा है, कौन सा, ये पोटेंशियल, ये फोर्स, ये फील्ड, ये चार्ज. तो इस पुलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस पे कम पहुंचेंगे तो सर्किट में करंट कम हो जाएगी. पोलैरिटी रिवर्स के केस में है, पोलैरिटी रिवर्स, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वही मेटल प्लेट अब आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन, जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा और करंट उसमें जीरो हो जाएगी. समझे? यस सर. तो ये इक्वेशन हो गए और ये पॉइंट हो गया, जीरो पे करंट जीरो नहीं है, जीरो पे करंट जीरो नहीं, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बहुत बढ़ाएंगे करंट कांस्टेंट हो जाएगी, वोल्टेज रिवर्स में बढ़ाएंगे करंट जीरो हो जाएगी. तो अगर इसी वी और आई को हम ड्रॉ करते हैं तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व. तो हाँ बोलो. वी इज इक्वल टू जीरो में तो सर हमारा जब वी जीरो था, हाँ, तब तो जब प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा ना, वो उसको तो अट्रैक्ट करेगा ही. हाँ प्लेट अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सारे तो नहीं जाएंगे. अगर जीरो है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो भाई कुछ के पास तो है ना, कि ऐसा थोड़ी कि इतना पॉजिटिव चार्ज, अभी तो वो चार्ज होना स्टार्ट हुआ है, कुछ पॉजिटिव आएगा. तो ठीक है, फिर हम जो पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जो नेगेटिव प्लेट होगा उसमें भी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा. नहीं तो बढ़ेगा तो करेगा. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये तो सर्किल कंप्लीट है ना, ये सर्किल यहाँ से ये ऐसे घूमते हुए इधर आ जा रही है, ये यहाँ से घूमते हुए ये आ जा रही है, इधर घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया
वो इलेक्ट्रॉन यहां से घूमते 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 यहां पहुंच जा रहा है, एक्युमुलेट नहीं हो रहा वहां पे, सर्किल कंप्लीट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज हुआ, बट उसके पास एनर्जी है, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये वापस घूम के वहां वैसे पॉजिटिव पहुंच जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, नहीं, ये कनेक्टेड है तो वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, बस समझ में तो इस पॉइंट पे जब वोल्टेज जीरो है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व या वी वर्सेस आई ग्राफ, ठीक है, ये चीज समझना है, वोल्टेज जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना वी आई ग्राफ, कौन सा ओम्स लॉ में, तो वहां बोलते थे कि नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो वैसे ये कैथोड ट्यूब या गैस ट्यूब जो है ये क्या है, नॉन ओमिक है, वी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं आई वी ग्राफ को या वी आई ग्राफ को हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं, तो जब वोल्टेज जीरो है उस मोमेंट पे भी कुछ करंट है, यहाँ पे ये करंट है, सर्किट में करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज है, तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 अब नॉन लीनियर टाइप का कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो है ऐसे कुछ इक्वेशन कुछ इसका नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते फाइनली कुछ वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी सैचुरेशन करंट IS, और इसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट में नो चेंज, इसके बाद फिर हम वोल्टेज को कम करते जाएंगे तो करंट जीरो होती जाएगी, करंट जीरो होते 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 कहीं पे ये, तो ये हो जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल VS, तो ये नॉन लीनियर ग्राफ नहीं है भाई, ये इस टाइप का है, ये ऐसा है, समझे। ये ग्राफ है, ये जो है आईवी ग्राफ है yes, और इस टाइप का ग्राफ है। अब इसमें हमारे दो इफेक्ट हैं कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, स्लाइड का इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, तो हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, तुम्हें हमेशा इफेक्ट किसके ऊपर सोचना है, IS के ऊपर सोचना है एंड VS के ऊपर सोचना है, IS इज द सैचुरेशन करंट एंड VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दो पैरामीटर्स के ऊपर हमें इफेक्ट देखना है, किसका, फ्रीक्वेंसी का एंड इंटेंसिटी का, ये दो चीज है, तो हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, अच्छा इंटेंसिटी के लिए फार्मूला है हमारे पास, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, चलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, आई इज इक्वल टू एन अब जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि सोडियम लैंप, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा सोडियम लैंप है और सोडियम लैंप के दो सोर्स हैं 100 वॉट 50 वॉट 10 वॉट 50 वॉट 100 वॉट, ये सब में क्या लैम्डा चेंज होगा, एक ही बल्ब है 100 वॉट का, तो इसके अंदर गैस तो सेम है, सोडियम वेपर है, उसमें वॉटेज उसका ज्यादा, वॉटेज अब लैम्डा सेम होगा इनका, एन चेंज होगा, हाँ लैम्डा सेम है, तो यहाँ पे ये पावर रेटिंग बढ़ रही है, मतलब वो एनर्जी ज्यादा देगा, कैसे देगा, एन इंक्रीज होगा, एन कम होगा, तो यहाँ पे अगर पावर ज्यादा है तो हम यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में एग्जाम में बुक्स में हर जगह लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी चेंज करने पे, इंटेंसिटी चेंज को वेवलेंथ से भी किया जा सकता है और नंबर ऑफ फोटॉन से भी किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो मतलब होता है वो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये तभी होगा व्हेन लैम्डा और न्यू इज कांस्टेंट, ऐसा है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रहे कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से भी इंटेंसिटी चेंज होती है,
फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी तो ये सब होगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज, तो ये चीज ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी का मतलब जो कॉमन है, जिस पे क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी भी दी हुई है, वो सब कुछ उसमें क्या है, वहां पे ये चीज है कि भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलेटेड होते हैं और कुछ नहीं। जबकि सच बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर, वेवलेंथ भी चेंज कर सकते हैं, भाई 10 वॉट के चाहे कुछ अलग अलग लैम्डा भी ले सकते हैं। तो हमारा इंटेंसिटी तुम क्या समझोगे, बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से भी इंटेंसिटी चेंज होती है। बट हमारे लिए अभी क्या है कि ऐसा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि कोई सोडियम लैंप है 10 वॉट का, 50 वॉट का, 100 वॉट का, व्हाट इज द गिवन है, तो इनके क्या अलग है, इनके लैम्डा सेम है बट नंबर ऑफ फोटॉन्स डिफरेंट है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए। तो अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज किया देन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीज होंगे अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा पहुंचेंगे, ज्यादा पहुंचेंगे तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगी। सैचुरेशन करंट बढ़ गई, इंटेंसिटी हमने बढ़ाया, फोटॉन्स बढ़े, फोटॉन्स बढ़े तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एक सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अभी एक सेकेंड में 20 आएंगे, 20 आएंगे, तो वहां से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी, तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगी। बट यहां पे इस केस में क्या है, इस केस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो एच न्यू माइनस फाई से के मैक्स कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ा लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ा, पास होने का रेट बढ़ गया लेकिन नंबर सबके 50-50 ही, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, बहुत ज्यादा हो गया नंबर, इलेक्ट्रॉन पहले 10 थे अभी 20 हो गए, बट सारे 10 जूल एनर्जी के ही है, क्योंकि एक एनर्जी एक फोटॉन के एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है और वो सेम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट तो उनको रोकने की मेहनत कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में नो चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल में नो चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल में नो चेंज। तो अगर हम दो ग्राफ ड्रॉ करना चाहें डिफरेंट इंटेंसिटी के, तो ये ग्राफ कैसे दिखेंगे, स्टार्ट होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट तो सेम होगा, ऐसा ऐसा टाइप का कुछ होगा। सर आप आई चेंज कर रहे हैं ना, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी आई क्या, ये आई इंटेंसिटी है, ये आई इंटेंसिटी है, आई एस सैचुरेशन करंट है, थोड़ा If mu 2 is equal to mu 1, frequency is same and I 2 is more than I 1. Frequency same, so stopping potential same. Frequency, kinetic energy, stopping potential. Ye related hai. Intensity, number of photons, number of electrons, aur ye bhi ye related hai. Saturation current. तो अगर I2 is more than I1, keeping frequency constant, then stopping potential will remain same and IS2, saturation current, confuse मत हो ना, ये intensity है, I जो है वो intensity है, और वो current है IS, intensity, IS2 is more than IS1, ये graph हो जाएगा, आसान है ये, ठीक है, कोई confusion? स्टार्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे और ग्राफ अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसा दिया होगा तो कुछ कंक्लूजन आ सकता है कि क्या कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, तो ऐसे हम ऑर्डर में लिख लेंगे IS2। अब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को कांस्टेंट रखते हुए हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं,
वैसे हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट। तुम सीधे ऐसे सोचो, ऐसा सोचो कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो ये है एन एच न्यू बाई ए। अगर अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी भी तो वैरी हो जाएगी, इंटेंसिटी भी तो वैरी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि वैसे हमें बोलना चाहिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रखते हुए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रखते हुए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में हर जगह कई बार क्वेश्चन में भी इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलेट किया जाता है, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलेट किया जाता है। तो हम उसको बोलते हैं कि कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट एज इंटेंसिटी, मैं बार बार ये एम्फसाइज कर रहा हूँ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन और उसी से रिलेट कर दिया जाता है। इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इज सेम, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज सेम, सेम और हम बोल सकते हैं आई सेम, जो कि क्या है टेक्निकली गलत है जो बोला जाता है। इंटेंसिटी सेम सेम के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी सेम कैसे रहेगी? नंबर ऑफ फोटॉन अगर हम सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी तो चेंज हो जाएगी, तो ये बोलना गलत है। लेकिन इस पर क्वेश्चन भी आया रहता है, थ्योरी भी दी हुई है, तो तुम समझोगे कि वहां पे क्या है, मतलब उसका क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन सेम एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड न्यू इंक्रीज्ड, तो क्या इफेक्ट होगा भाई? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, आई इंक्रीज, एक फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज, एक फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज तो के मैक्स इंक्रीज, क्योंकि खर्च तो उतना ही है, इनकम बढ़ गई, ये जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, मेहनत ज्यादा लग जाएगी। बट इंटेंसिटी सेम का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम।